लद्दाख में जांस्कर नदी पर विश्व की सबसे ऊंची राफ्टिंग और कयारिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। राफ्टिंग जो अपने आप में एक खतरनाक टास्क है। जी हाँ, ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी आपको दिखाते हैं। लद्दाख राफ्टिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड ने जांस्कर नदी पर विश्व की सबसे ऊंची राफ्टिंग और कयाकिंग प्रतियोगिता के अपने दूसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित 140 राफ्टरों ने इस आयोजन में भाग लिया। बता दें, 3 दिन का आयोजन 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए स्कॉर्पियो से संगम तक जांस्कर नदी पर आयोजित किया गया था। यह आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन और लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और विभिन्न अन्य टूर ऑपरेटरों द्वारा सह प्रायोजित था। वहीं नैनी 19 वर्षीय महिला नैना अधिकारी ने कहा कि मैं 19 इयर्स की हूँ, मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ और मैं पहली बार लद्दाख आई हूँ। मैं जानती थी कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड ही नहीं, मतलब इसमें इतना ठंडा पानी है जांगसर की नदी में, और आते ही मुझे सीधे कंपटीशन में कम्पीट करना पड़ा। फर्स्ट टाइम कायाकिंग करा सीधे कंपटीशन की रेस में, बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके नई नदी एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले मैं केरला में थी 1 महीने के लिए और वहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर और नदियों में बहुत फर्क है। वहाँ बहुत क्रीक नदी है जो लो वाटर हाई वाटर दोनों है, और यहाँ इतनी वाइड नदी और इतनी ठंडी नदी है तो थोड़ा डिफरेंट जरूर है, थोड़ा चैलेंजिंग है। बट हम लोग का जो ये कंपटीशन था एकदम बढ़िया रहा। हम लोग पिछले साल से भी ये जो कंपटीशन है हमारा हाथ लग रहा है, और ये इतना है कि मैं भी खुश हूँ, जब हमारा कंपनी खुश है और हमारा जो टीम है सब बढ़िया है, सही है। इतना है कि जितना है हम लोग जो टीम है उनका जय हो। ALRO के अध्यक्ष ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य लद्दाख में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना था, कि राफ्टिंग का खेल लद्दाख में बहुत पुराना है जो 1983 से शुरू हुआ और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय खेल है। डेस्क रिपोर्ट, KNews India।